जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आप सभी के लिए सीबीआईसी में जो नई रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल ऑल इंडिया वैकेंसी है, वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है वो पहले ही आपको बता देते हैं कि जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आउट की गई है। यदि आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वीडियो को आप लोग छोड़ सकते हैं, अपना टाइम आप लोग बचा सकते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर चलिए भर्ती की पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। सीबीआईसी बेंगलोर में ये जो वैकेंसी है वो आपकी आउट की गई है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ ए सेंट्रल टैक्स बेंगलोर जोन में ये वैकेंसी रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप के डेट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो आपके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 19 जून 2024 से, और यहाँ पर लास्ट डेट आपके फॉर्म को फिल करने की है 9 अगस्त 2024। और यहाँ पर जो आपके कट ऑफ डेट है आपकी एज कैलकुलेशन की, वो आपके रहने वाली है लास्ट डेट यानी कि 9 अगस्त 2024। पोस्ट यहाँ पर कौन कौन सी आउट की गई हैं, तो सबसे पहले टैक्स असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, लेवल 4 की ये पोस्ट है। इसमें जो है आपके पास एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसके अलावा यहाँ पर 8000 की में जो आपका डिप्लेशन है पर हावर डाटा इंट्री वर्क का, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, 1 वैकेंसी है, ये भी लेवल 4 की है और इसमें +2+ में स्टेनोटाइपिंग आपको आनी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी हवलदार की है, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी हैं। ये पोस्ट आपके रहेगी लेवल 1 की। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेल है या फिर फीमेल है, यहाँ पर आपकी जो हाइट का या फिर कुछ चेस्ट का जो क्राइटेरिया है फिजिकल का, वो भी रखा गया है। हाइट आपकी मेल की 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। ये जो यहाँ पर ST और कुछ कैटेगरी दी गई हैं इन सभी को। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिनको हाइट में छूट मिलेगी उनको 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में भी छूट मिलेगी। और 1600 मीटर की एक वॉक आप लोग बोल सकते हैं, वो कंप्लीट करने हैं मेल को 15 मिनट में। सेम जो पोस्ट है हवलदार की, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट का कोई क्राइटेरिया आपका नहीं होता है, और जो फिजिकल टेस्ट है 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। एज की यहाँ पर अगर हम बात करें 18 से लेकर 27 साल आपकी एज रहेगी। जो एज कैलकुलेशन की डेट है लास्ट डेट रहेगी 9 अगस्त 2024। और यहाँ पर 5 साल की जो छूट है SC ST को, वो भी मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट्स आपकी भर्ती है तो इसमें प्लस में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा छूट है हर कैटेगरी को, वो भी आपकी दी जाएगी। बात करें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके किस लेवल की होनी चाहिए, तो चाहे आपके पास नेशनल लेवल की जो है गेम के सर्टिफिकेट है, या फिर स्टेट लेवल की है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की है, कोई भी आपके पास गेम के सर्टिफिकेट है उससे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके स्टेट स्कूल टीम्स हैं, नेशनल गेम अगर आपने खेले हैं, तो भी यहाँ पर फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, वो भी इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स से कौन कौन से होने चाहिए, यानी कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो किस गेम में आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी गेम में आपके पास जो है सर्टिफिकेट है तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पर 65 आपके ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, कोई भी एक सर्टिफिकेट इनमें से आपके पास होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन ही फिल करना है, और ये जो आपका एड्रेस है इस एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले फॉर्म आपको भेज देना है। कुछ नीचे आपके डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यदि आप फिलहाल में एम्प्लॉई हैं तो NOC, आपका आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन के सर्टिफिकेट है।